कितने सीसी इंजन है शाबी इसका? ये जी 2800 सीसी इंजन है इसका। वाह वाह, 2800 आजकल मतलब फॉर्च्यूनर में देते हैं, और इस गाड़ी में उन्होंने दिया है। ये उस जमाने की बड़ी अच्छी गाड़ी है जी, इसकी अपनी पहचान थी। दादा अबू जब मिनिस्टर थे तब उनके पास ये गाड़ी होती थी, उनके जितने भी पॉलिटिकल दौर आए उसमें ज्यादातर गाड़ी उनने यही यूज किया है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मेहराब हबीब, आप देख रहे हैं टीवी तमाचा। राजा शाह सिकंदर साहब के पास मौजूद हूं, दो वीडियोस आपने देख ली, अगेन इनके साथ मौजूद हूं। और इनके फॉर्म पर मुझे गाड़ी नज़र आई जो कि बहुत पुरानी और मर्सिडीज़, जिसको देखने के लिए लोग तरसते हैं ऐसे मॉडल्स और ओरिजिनल हालत में। तो राजा साहब ने इसको बिल्कुल फिट रखा हुआ है, फ्रेश रखा हुआ है अपनी तरह। अस्सलाम वालेकुम जनाब राजा साहब। वालेकुम सलाम जी, ठीक है? पूरी ठाक जी। गाड़ी के बारे में बताएं, हरिपुर वन, और ये गाड़ी इतनी साफ़ सुथरी अपनी असली हालत में कैसे मौजूद है अभी तक आपके पास? ये 84 सीरीज़ है, मर्सिडीज़ है ये, और इसकी जो हालात है बिल्कुल जेन्युइन है जी। ये मेरे दादा की गाड़ी थी, उनने जब हरिपुर ज़िला बनाया था उस वक्त उनने हरिपुर वन ये नंबर इस गाड़ी को लगाया था। ये उनकी गाड़ी है, मेरे पास उनकी निशानी रहेगी है, ये मेरे पास है। चलाते हैं इस पर जी? ज़्यादातर मैं इसको ड्राइव नहीं करता, लेकिन कभी मेन मैंने कहीं जाना हो मैं कर लेता हूँ के लिए। आप इसके इंटीरियर देखें, एक्सटीरियर देखें, बिल्कुल जेन्युइन है। अक्सर लोगों के पास नई गाड़ियाँ आ गई हैं, लेकिन पुरानी चीज़ों की कदर बहुत कम लोगों को रह चुकी है। कीमत और इसका जो लेवल है वो उन्हीं लोगों से पूछे जिन्होंने का शौक किया। कीमत इसकी कोई इतनी खास नहीं होगी इस वक्त, लेकिन पुरानी चीज़ की पहचान मायार वो हर बंदा नहीं जानता, कुछ लोग जानते हैं जो पुरानी चीज़ों की कदर करते हैं। एक बात है, अब आपने क्रूजर भी रखा है, उसमें भी आप घूमते हैं, जब इस पर घूमते हैं दोनों में क्या फ़र्क लगता है आपको मेन? इसकी कम्फर्ट मुझे थोड़ी बेहतर लगती है क्रूजर से। हाँ, इसकी सीट्स वगैरह कम्फर्ट वगैरह बेहतर लगती है। नई गाड़ियाँ सिर्फ प्लास्टिक की हैं, ये लोहा है, पूरा मेटल है। आपके पास जब ये जब आपके हवाले की गई उस टाइम आपकी क्या इश थी, या कब से आप इसको देख रहे हैं जब आपके यूज़ में ये जी? ये ईद के दिन मेरे अबू को, बड़े अबू ने दी थी, दादा अबू ने, ईद के दिन उन्हें गिफ्ट मिली थी ये गाड़ी, तब से हमारे पास है। हमने इसको संभाल के रखा हुआ है, उनकी निशानी, ये कभी भी आगे पीछे जाना हो लेके जाते हैं वैसे ही खड़ी रहती है एज ए निशानी तौर पर। तो ओरिजिनल इंजन भी आपने बताया लगा, वैसे उसका इंजन ज़रा दिखाया ना कैसे? ये इसका ओरिजिनल इंजन है जी। अच्छा, साथ साथ इसकी मेंटेनेंस करते रहते हैं आप? बिल्कुल जी, मेंटेनेंस नहीं होगी तो गाड़ी ख़राब हो जाएगी। साथ साथ इसकी मेंटेनेंस वगैरह हर चीज़, ऑयल चेंज वगैरह इसका होता रहता है। कितने सीसी इंजन है इसका? ये जी 2800 सीसी इंजन है इसका। 2800 आजकल मतलब फॉर्च्यूनर में देते हैं, और इस गाड़ी में उन्होंने दिया है। ये उस जमाने की बड़ी अच्छी गाड़ी है जी, इसकी अपनी पहचान थी। दादा अबू जब मिनिस्टर थे तब उनके पास ये गाड़ी होती थी, उनके जितने भी पॉलिटिकल दौर आए उसमें ज़्यादातर गाड़ी उनने यही यूज़ किया। उस जमाने की समझे ये एस क्लास है जी। इंटीरियर की अगर बात करें शाबी, थोड़ी सी इंटीरियर भी इसका जेन्युइन है सारा जी। अब्दुल्ला अगर अब अंदर आओ आप, चलो शॉर्ट्स हम लगा देंगे उसके अंदर। क्या कंफर्ट है, मतलब कि ये सीट्स मुझे आपका आज की गाड़ियों में शाबी नहीं देखने को मिलती। नहीं जी, ये बड़ी अच्छी गाड़ी है जी। तो जी हाँ, गाड़ी स्टार्ट करते हैं जनाब जी। इसके अंदर आवाज़ कैसा साउंड सुन? आहा, वाह वाह। हैंड ब्रेक इस साइड पे है जी, ये देखें, इसके राइट साइड पे हैंड ब्रेक है, इसको इस तरह करके खुलती है। कमाल की राइड है। मैं वैसे ये बात, वो बंदा क्या कहा, शायद गाड़ी में बैठ कर तारीफ़ें कर रहे हैं, वाकई में इतना कंफर्ट किसी और गाड़ी में नहीं मिला। क्रूजरों में भी सफ़र किया है, BMW और 3-4-5, लेकिन मज़ेदार चीज़ें, पुरानी बात अपनी है जी। जी पुरानी चीज़ बड़ी अपनी होती है। अब मज़े की बात तो अभी जहाँ पर हम लोग घूम फिर रहे हैं, ये मतलब के गार्डन है ऊपर नीचे ज़मीन, लेकिन नहीं फील हो रहा आपको बिल्कुल कि आप खड्डों वाली ज़मीन में या इस तरह कुछ चीज़ में चल रहे हैं। शायद भी अगर ये अपने दौर में इसकी क्या कीमत होगी उस टाइम जी? उस टाइम वही कीमत होगी जो अभी नई 2022 एस क्लास की है, वही कीमत होगी। अगर उस दौर में होती तो ये 5-7 करोड़ की गाड़ी अभी भी होगी जी, बिल्कुल जी। उस दौर। अच्छा, एसी वगैरह है इसके अंदर? कोई नहीं, सब कुछ है जी। एसी वगैरह इसका ये लगा हुआ है, सारे वेंट चालू है इसका? बिल्कुल जी, हर चीज़ चालू है इसकी, हर चीज़ एक्टिव, मतलब एसी, हवा शवा ये वो हर चीज़ ओके, हीटर वगैरह भी जी। जी शाबी ये किसी को देंगे नहीं आप? नहीं जी, ये निशानी ये नहीं दे सकते। आगे चलेगी आपकी जनरेशन? लोगों ने मुझसे नंबर मांगे, हरिपुर वन नंबर दे दें, मैंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। तो भाई काफ़ी लोग आ गए हैं जिला हरिपुर में भी। अच्छा। लेकिन जो पुरानी फैमिलीज थी
वही बस रह गई है। नंबर पुराना दादा बुन जब जिला बनाया था तब ये नंबर अलॉट किया था, ये नहीं किसी को दे सकता। मुझे तो बहुत मजा आया आज की इस वीडियो का, लेकिन आपको भी आज की इस वीडियो को देखो मजा आएगा। शहाब भाई की एक वीडियो और रह गई है, इनके डॉग्स का शौक हम आपको दिखाएंगे, तो आपने चैनल सब्सक्राइब करना है, शहाब भाई को सपोर्ट करना है। ये जो यूनिक यूनिक चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि आपको बस लेकर आते रहें, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।